अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और है जी आज छुट्टी, और छुट्टी पे नाश्ता बाहर से आता है। सो नाश्ता आ चुका है, चने और दही और चटनी, आलू और सैलड, चाय बन गई है और दस्तरखान लग रहा है। तो चलें साथ नाश्ता करते हैं। रोज़ इनके साथ ड्रामे करके ना दफ्तर पहुंच जाएगा। One eternity later. नाश्ते के बाद बर्तन और किचन का काम हो गया, तो सफाई हो गई, सारे काम खत्म हो गए। तो शाम के वक्त सब आ गई है रिजा और विला। तो मैं बना रही हूँ थोड़ा सा पास्ता। यहाँ हो रहा है पास्ता बॉयल है ना। मैं बच्चियों के लिए पास्ते में जो है ना वो फ्राइज़ भी ऐड कर देती हूँ थोड़े से। तो मैं फ्राइज़ अलग से लेकिन फ्राई करके शामिल करती हूँ, क्योंकि वरना आलू टूट टूट से जाते हैं तो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ आलू फ्राई हो रहे हैं, यहाँ पास्ता बॉयल हो रहा है हर्ड वाले, इस पर यहाँ सब्जी फ्राई हो रही है। बस मैं चाहती हूँ जल्दी से बन जाए, फिर चाय बनाऊँगी। और बस ये मेरे फ्राइज़ हो गए हैं, अब मैं इनको निकाल के वेजिटेबल्स में ऐड करने लगी हूँ। वेजीज ऑलमोस्ट हो गई, ठीक है। और इसमें यहाँ स्टेज पर मैं साथ ही शामिल करती जाऊँगी। स्टेज पर मैं इसमें सॉल्ट और ब्लैक पेपर शामिल करूँगी बस, और कोई चीज़ नहीं डालूँगी, क्योंकि बच्चियाँ खाती हैं शौक से। तो इसमें जो है ना ये अच्छा लगता है बच्चों को, सिर्फ नमक और काली मिर्च डाला हुआ बस। इसके बाद मैंने इसमें चिकन श्रेड करके डाल दिया है, और एक पैकेट और जो है मेरा पास्ता बॉईल हो रहा है क्योंकि मुझे कम लग रहा था। चाय बन गई है, पास्ता बना दिया है, बच्चे पास्ता खा लेंगे, बड़े चाय के साथ थोड़ा सा पास्ता खा लेंगे। तो सारा यहाँ जी हमारे गुड्डे वुड्डे जो है ना ये शरारतें कर रहे हैं, और बहस क्या चल रही है जी कि ये कैंडी फ्लॉस है या कॉटन कैंडी है। तो जी दोनों कहा जा सकता है, कैंडी फ्लॉस भी कह सकते हैं और कॉटन कैंडी भी कह सकते हैं। A few moments later. अच्छा जी, ये है शर्क पूरी गुलाब जामुन, ठीक है जी। शरक पूरी कह रही थी मैं इसको, लेकिन मम्मा ने कहा नो इट्स शरक पूरी नॉट शरक पूरी। तो जी इनकी बहुत हाइप क्रिएट हुई हुई थी गुलाब जामुन की इंस्टा पे, मैंने देखा तो मैंने सोचा क्यों ना इसे विजिट किया जाए। तो जब रजा वगैरह चले गए तो मैं और कामी किसी काम से कमर्शियल गए, तो हमने मैंने उनसे कहा मैं ट्राई करना चाहती हूँ। अच्छा जी ये पॉट जो है ये है 500 का, इसमें ऑप्शन हैं 300 के भी और 200 के भी। जो 500 का पॉट है इसमें 25 से 26 ऑलमोस्ट गुलाब जामुन होती हैं। तो जब मैं ये लेकर आई तो मैंने टेस्ट किया और मुझे कोई बहुत अच्छा नहीं लगा। एक्चुअली वी हैव बेटर ऑप्शंस इन आर टाउन। तो गुलाब जामुन बहुत अच्छी अच्छी तरह की, बहुत अच्छी जगह से मिल जा, बहुत अच्छी तरह की मिल जाती है। द बॉय हुज़ वर्किंग, मैंने खासा डिटेल्ड रिव्यू देखा किसी का, तो भाई अगर वो बच्चा अकेला इतनी मेहनत कर रहा है तो ही इज़ डूइंग हिज जॉब वेरी वेल। बट टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास अच्छे ऑप्शन और अवेलेबल हैं गुलाब जामुन में। तो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन खैर यहीं करते हैं आज का व्लॉग एंड, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।